हमारे कहके भाई भाई। प्यार करने वाले सौरभ राज की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि एक और आशिक की चिता सजा दी गई। इस बार शिकार हुआ प्रेम कुमार। जवान प्रेम कुमार को उसकी कथित प्रेमिका ने फोन कर अपने घर बुलाया। वह जैसे ही आया कि पहले से घात लगाए उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया। फिर 6 दिन बाद प्रेम कुमार के सिर कटी लाश गंडक नदी में मिली। प्रेम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत को खुदा माना। इस बार दिल दहला देने वाली यह खौफनाक वारदात बिहार के गोपालगंज में हुई। इस संबंध में गोपालगंज के विशंबरपुर थाना में केस दर्ज कर लिया गया। वारदात के बाद कथित प्रेमिका और उसके घर वाले फरार हैं। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को पकड़कर जेल भेजा है। इल्जाम है कि प्रेम कुमार को मारने में यह 4 भी शामिल थे। गोपालगंज के रूप छाप गाँव में रहने वाला प्रेम एक लड़की से प्यार करता था। कथित प्रेमिका अंशु कुमारी का घर उसके गांव से ही कुछ दूरी पर था। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके मिला करते थे। एक दिन इस बात की जानकारी अंशु के घर वालों को हो गई। अब तक की तफ्तीश में जो बातें सामने आई उसके अनुसार बीते 3 अगस्त को कथित प्रेमिका ने फोन कर प्रेम को अपने घर बुलाया। इसके बाद प्रेम रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इधर प्रेम के घर वाले बेटे की खोज में दिन रात एक किए हुए थे। कहीं कुछ उसका पता नहीं चला। 6 दिन बाद यानी 8 अगस्त को प्रेम के सिर कटी लाश गंडक नदी में मिली। वहीं सिर अभी तक नहीं मिला है। खोजने का काम जारी है। लाश की हालत देख आशंका जताई गई कि प्रेम की हत्या कुछ दिन पहले ही कर दी गई थी। मारे गए प्रेम के बदन पर कपड़े को देख उसे उसके भाई ने पहचाना। देखे सुने समझे क्या बोले मारे गए प्रेम के भाई बुलेट यादव और SDPO नरेश पासवान। यहाँ से प्रियंका से मिलने के लिए हमारे प्रेम कुमार यादव भाई गया वहाँ पर सिपाही खास में। वहाँ पर उसका गर्दन काट के बिक दिया गया है नदी में। उसका गर्दन नहीं मिला है, बाकी पूरा लाश शरीर उसका मिला, बरामद हुआ है। रूप छाप गाँव के लड़का था जिसका नाम प्रेम कुमार है। वो अपने प्रेमिका से मिलने गया था अंशु कुमारी जो टाड़ पर के रहने वाले थे। और उसी में वहाँ जाने पर उसके परिजन लोग उसको पकड़ करके गायब कर दिए थे। जिस संबंध में विशंबरपुर थाना कांड संख्या 97/2021 दर्ज हुई है। उसका डेड बॉडी नदी किनारे मिला है। कई नामजद अभियुक्त बनाए गए थे जिसमें 3 अप्राथमिकी और 1 प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कोहराम लाइव के लिए नीतू सिंह और भावना ठाकुर की रिपोर्ट।